कुछ दिनों से झांसी जिले में एक पुलिस अधिकारी का खौफ देखने को मिल रहा है उन लोगों में, खास तौर से जो अवैध कार्य करते हैं और माफिया किस्म के लोग हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं प्रशिक्षु आईपीएस अंतरिक्ष जैन की, जिन्होंने भी झांसी में ही होटलों में चल रहे अवैध शराब, अवैध हुक्के, बार बंद करा दिए। इसके बाद अभी ग्रामीण क्षेत्र में भी पहुँच कर ऐसे अपराधियों पर नजर रख रहे हैं, ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्षेत्र में दहशत फैलाने का काम करते हैं। इसी क्रम में आज वह बरुआ सागर के बाजार पहुंचे थे, जहां पर अतिक्रमणकारियों पर उनका बुलडोजर चला है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद मोदी साथ में जुड़े हुए हैं। आनंद जी, किस तरह की बरुआ सागर में कार्रवाई अमल में लाई गई? नवीन जी, मैं आपको बता दूं, ये बरुआ सागर थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार के चारों तरफ के जो मार्ग है, मामला है। पिछले कई वर्षों से नगर के जो कई व्यापारी हैं, नगर में जो सामान खरीदने वाले ग्राहक हैं, नगर के लोग हैं, नगर के नगरवासी हैं, एक बहुत बड़ा दंश झेल रहे थे नगर में अतिक्रमण का। जितनी लोगों की दुकान अंदर थी, उतनी लोगों ने अपने पट्टियां बल्ली लगा के पट्टियां बना के उसको दुकान पे अवैध अतिक्रमण कर लिया था। पूरा सामान आधे से ज्यादा रोड को कवर कर लिया था। जब लगातार पीस कमेटी की बैठक में, शांति समिति की बैठक में आईपीएस के सामने ये मुद्दा उठाया गया, तो आज आईपीएस जो प्रशिक्षु आईपीएस है थाना प्रभारी बरुआ सागर द्वारा अंतरिक्ष जैन द्वारा एक लगातार बड़ी कार्रवाई अंजाम दिया गया है। बरुआ सागर के नगर के चारों मुख्य बाजार के चारों रूट को अतिक्रमण मुक्त कराने की एक बड़ी कार्रवाई की है। इसमें थोड़ा बहुत विरोध भी झेलने के लिए दिखा है, कुछ लोगों ने विरोध जताया, लेकिन प्रशिक्षु आईपीएस अंतरिक्ष जैन के सामने किसी भी व्यापारी की, किसी भी अतिक्रमण की कार्य की एक भी नहीं चली और लगातार पूरे शक्ति के साथ, पुलिस बल के साथ अतिक्रमण को हटाया गया है और आईपीएस का कहना है कि लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। नवीन जी, इसके अलावा कुछ और भी, जैसे वहाँ पर अन्य माफिया गिरी भी होती है ना, अवैध कार्य होते हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई आज अमल में लाई जा रही है? नवीन जी, आपको बता दूं, अभी आईपीएस को लगभग जमा एक हफ्ता हुआ है। लगातार आईपीएस का कहना है कि 3 महीने का उनका जो प्रशिक्षण का काल है, वो सीधा सीधा फोकस रहेगा अवैध कारोबारियों के साथ साथ, अवैध कार्य के साथ साथ उनका सीधा सीधा फोकस है। अवैध कार्य में जो भी संयुक्त हैं, संलिप्त हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनके ऊपर पहले कार्रवाई होगी। जो इस जड़ को अंजाम देते हैं, अवैध कारोबार को अंजाम देने में सहयोग प्रदान करते हैं, कहीं ना कहीं दलाली का काम करते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस से मिलीभगत का काम कराते हैं, इन लोगों पर बड़ी कार्रवाई करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और आज बरुआ सागर बाजार में सुबह जब भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पे अतिक्रमण के लिए, हटाने के लिए पुलिस बल उतरा, तो पूरे नगर में हड़कंप मचा हुआ है और जो अतिक्रमणकारी हैं भागते हुए नजर आ रहे हैं। नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।